दुनिया भर में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है, जिस पे अच्छी खासी तनकीद होती है और तनकीद जायज़ भी किसी हद तक होती है। लेकिन गुजरांवाला में एक मुनफरद तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ तकरीबन 25 जोड़ों के यहाँ पे निकाह करवाए जा रहे हैं, जिनको ना सिर्फ उनके आने वाले मेहमानों को खाना देकर इंटरटेन किया जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर मौजूद उनको तहाइफ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग मौजूद हैं गुजरांवाला जनाह पार्क, जहाँ पर गुजरांवाला वेलफेयर के ज़ेर अहतमाम इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। और 14 फरवरी के दिन ये पैगाम देना मकसूद है कि असल जो मोहब्बत है किसी भी गैर मर्द और औरत में, जो असल मोहब्बत है उसकी एक ही मंजिल है, वो है निकाह। इसके साथ ये पैगाम भी देना है कि निकाह को आसान किया जाए, निकाह को जहमत ना बनाया जाए बल्कि रहमत बनाया जाए। देखिए कितनी ही सादा तकरीब, खुशगवार तकरीब में एक तरफ आप पंडाल के देखें, तमाम दुल्हे जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ तमाम दुल्हने जो आज रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने वाली हैं वो तमाम अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इनके निकाह करवाए जाएंगे और 14 फरवरी के दिन मोहब्बत का असल पैगाम गुजरांवाला से मुल्क भर में दुनिया भर में फैलाया जाएगा। यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह 25 जोड़ों का निकाह अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं यहाँ। आज बहुत हमारे साथ बहुत सारे लोग रबते में थे, लेकिन हमने आज की इस तकरीब के अंदर 25 लोगों का हम निकाह करवा रहे हैं। इंशाल्लाह इससे आगे हम मजीद अगली तकरीबात में इंशाल्लाह ज़्यादा लोगों के लिए। 14 फरवरी का दिन ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? इसमें ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमने 14 फरवरी का ही दिन क्यों सेलेक्ट किया है। हम इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम हमें मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार सिखाता है, उसमें निकाह भी अल्लाह का दीन हमें सिखाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जायज़ रिश्तों को कायम करो, नाजायज़ रिश्तों से बच जाओ। तो इस चीज़ को मुआशरे में उजागर करने के लिए, लोगों को ये पैगाम देने के लिए कि हमारे पास रास्ता मौजूद है, हम उस रास्ते को अख्तियार करें, बजाय इसके कि हम नाजायज़ रास्ते अख्तियार करें और उसके अंदर हम अपने आप को डालें, तो जो जो जायज़ रास्ता है उसको हम अख्तियार करें। तो इसी के साथ जी, ये वो अमल है जिसको 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 पज़ीराई मिलनी भी चाहिए, हम सबको भी चाहिए, और यही असल तरीका है। किसी भी गैर महरम मर्द और औरत की असल मोहब्बत की मंजिल निकाह होनी चाहिए, तो इसको आम करना चाहिए। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।